बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम डायनामिक्स यूनिट 3 कर रहे हैं फिज़िक्स में, और आज हम करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के फ़ायदे और नुकसानात। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला जो है हमें दावत देता है कि अल्लाह के दोस्त बन जाओ। अल्लाह अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। रब्बे कायनात की दोस्ती में तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और शैतान का रास्ता जो है वो रोशनी से अंधेरे की तरफ जाता है, सरासर खसारे का सौदा है। तो अल्लाह का दोस्त कैसे बन सकते हैं? अल्लाह को जाने, अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की भेजी हुई किताब को तर्जमे के साथ पढ़ें, उसको उस पर तदब्बुर करें, उससे समझें, उस पर अमल करें। और जिसका दोस्त अल्लाह बन गया, पूरे कायनात उसके ताबे हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आज से अपने ऊपर लाजिम कर लें कि आपने कम से कम रोज़ाना 3 कुरान की आयात तर्जुमे के साथ पढ़नी है। तो सबसे बड़ी एडवांटेज जो फ्रिक्शन की है वो है एनेबल अस टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज़ सच एज वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। हम जो चलने फिरने के, भागने दौड़ने के, सीढ़ियाँ चढ़ने के जितने काम भी करते हैं, फ्रिक्शन हमें इसके काबिल बनाती है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हमारे लिए ये सारे काम करने मुश्किल हो जाते, चलना भी मुश्किल, हम फिसलते ही रहते, आगे ही ना बढ़ते। फ्रिक्शन एनेबल अस टू राइट एंड ड्रॉ ऑन पेपर। जो फ्रिक्शन है वो हमें कागज़ पे लिखना और ड्रॉ करने के काबिल बनाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेंसिल और पेन एंड पेपर। टिप और पेंसिल की, टिप और पेपर के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से हम लिखते हैं। कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम द पेंसिल लीड ड्रॉप्स ऑफ फ्रॉम इट ड्यू टू द फ्रिक्शन। फिर फ्रिक्शन एनेबल अस टू पिक अप एंड होल्ड थिंग्स इन आवर हैंड्स। हम जो मुख्तलिफ चीज़ें, ग्लास है और जितने भी पैसे अपने हाथ में पकड़ते हैं, बुक्स कैरी करते हैं, जो भी चीज़ हम उठाते हैं और अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से है। उसके अलावा फ्रिक्शन हमें कैसे हेल्प करती है? फ्रिक्शन एनेबल अस टू लाइट अ मैच स्टिक। जब हम माचिस की तीली को रगड़ते हैं तो उसकी टिक के ऊपर जो है वो केमिकल्स लगे होते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन जो है इट प्रोड्यूसेस हीट। तो हीट की वजह से जो केमिकल्स हैं उनको आग लग जाती है, और इस तरह से हम माचिस को जलाते हैं। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन के नुकसानात क्या हैं। तो फ्रिक्शन जो है वो एक फोर्स है जो मूवमेंट को रोकती है। फ्रिक्शन वियर्स अवे द सोल्स ऑफ आवर शूज़। तो जब हम चलते हैं तो रगड़ खाते हैं हमारे जूते रोड के ऊपर, तो तलवे जो हैं वो फट जाते हैं। व्हेन वी वॉक ऑन द रोड टाइनी सर्फेसेस ऑफ द शू कीप ऑन ब्रेकिंग ऑफ स्लोली ड्यू टू विच द सोल्स ऑफ आवर शूज़ वेयर आउट स्लोली ड्यू टू विच शूज़ गेट डैमेज्ड एंड बिकम्स अनफिट टू वेयर। आप देखें कि हमने नए शूज़ जब खरीदते हैं तो बिफोर ऐसे होते हैं और आफ्टर वॉकिंग वो नीचे से फट जाते हैं। इसी तरह टायर्स ऑफ व्हीकल्स वेयर आउट ग्रेजुअली ड्यू टू फ्रिक्शन। इसी तरह जो गाड़ियाँ होती हैं उनके टायर भी फट जाते हैं। लाइक द शू, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ टायर्स आल्सो ब्रेक डाउन ड्यू टू फ्रिक्शन व्हेन दे रन ऑन रोड। द सेम थिंग आल्सो हैपन्स विद द बाइसिकल। वो टायर बाइसिकल के हों या गाड़ी के, वो घिस जाते हैं। आप देख रहे हैं कि नया टायर बिफोर और चलने के बाद वाला टायर जो है वो घिसा हुआ है। फ्रिक्शन वियर्स आउट स्टेप्स ऑफ स्टेयर केसेस इन बिल्डिंग एंड फुट ओवर ब्रिजेस। इसी तरह जो सीढ़ियाँ होती हैं उनके स्टेप्स और बिल्डिंग्स जो हैं उनके ऊपर चलने से वो भी टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। द फ्रिक्शन बिटवीन सोल्स ऑफ द शूज़ एंड वेयर अवे हार्ड स्टोन स्टेप स्लोली। इसी तरह वो पत्थर को भी आहिस्ता आहिस्ता तोड़ देती है। सच टाइप्स ऑफ स्टेयर केस आर यूजली ब्रोकन। इसी तरह फ्रिक्शन स्लोज डाउन मोशन। जो हवाई जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हैं,
ट्रेन है, जितने भी व्हीकल्स जो हैं वो मूव करते हैं, तो फ्रिक्शन उनको आहिस्ता कर देती है, उनकी हरकत को कम कर देती है। अब हम कुछ मेथड्स देख लेते हैं जिससे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। आपको पता है कि फ्रिक्शन रफ सरफेस की स्लाइडिंग से ऊपर होती है, तो अगर हम सरफेस को मेक सरफेस स्मूदर, अगर हम जो स्लाइडिंग सरफेस हैं उनको ज़्यादा हमवार बनाएं, तो इससे हम जो है वो फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। हम शाइनी पॉलिश भी कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़ अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट्स जो हैं वो ऑयल्स होते हैं, जो दो आपने अपनी बाइक को भी ऑयल देते होंगे, गाड़ी का ऑयल भी चेंज करते हैं, इंजन ऑयल, तो ये लुब्रिकेंट होते हैं जो कि एक थिन लेयर बना देते हैं जिससे फ्रिक्शन कम हो जाती है। डिज़ाइनिंग द शेप ऑफ द व्हीकल टू बी स्ट्रीम लाइन, कि हम स्ट्रीम लाइन जो है ना वो शेप डिज़ाइन करते हैं व्हीकल की। स्ट्रीम लाइन ऑफ शेप जो है ये राइट लोअर कॉर्नर पे है, जिससे रेजिस्टेंस 5% सिर्फ रह जाती है। आप देखें कि ऊपर वाली 100% है, लेफ्ट कॉर्नर वाली राउंड ऑब्जेक्ट की 50% है, और जैसे ही हम स्ट्रीमिंग ज़्यादा करते जाएंगे रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। स्विच फ्रॉम स्लाइडिंग टू रोलिंग, हम स्लाइडिंग मूवमेंट की बजाय हमें रोलिंग मूवमेंट